पॉइंटर या एक स्कूल के सप्लाई वाला चॉकलेट का कप और टाई के अंदर मिल्क शेक। क्या पूरा स्कूल पागल हो गया है? नहीं, हम बस क्लास में मीठी चीजें लाए हैं। मिस्टर सेबास्टियन ने आज अजीब तरह की टाई पहनी है। क्या ये कोई नया ट्रेंड है? वो जरूर कुछ छुपा रहे हैं। सेबास्टियन ने बच्चों को पढ़ने को कहा ताकि उन्हें शक ना हो। उसी वक्त में चुपके से अपनी टाई की गांठ को सही करते हुए वो अपना पसंदीदा चॉकलेट दूध पी रहा है। प्लास्टिक के कॉलर बैंड को पीले कपड़े में लपेटें, फालतू हिस्से को काटें और सिल दें। एक डिस्पोजेबल प्लास्टिक के वास से टाई बनाएं। डबल साइडेड टेप का इस्तेमाल करें। पार्चमेंट पेपर पर रखकर इसे प्रेस करें। ऊपरी हिस्से पर आधी हॉट ग्लू लगाएं। टाई को बेस पर लगाएं। इसे कपड़े में लपेटें और सिल दें। छेद में एक मुड़ने वाली ट्यूब डालें। इसमें फनल की मदद से ड्रिंक डालें। और जब सेबास्टियन ने पूरी ड्रिंक खत्म कर ली, उसने टाई निकाल कर फेंक दी। उसे अब ऐसे कपड़ों की जरूरत नहीं। मिस स्मिथ को बिल्कुल पसंद नहीं जब लड़कियां पढ़ाई छोड़कर फोटोज खींच रही हैं। इंस्टाग्राम के लाइक्स उनके ग्रेड्स नहीं बढ़ाएगा। उन्हें मिस स्मिथ के लिए जल्दी कुछ अच्छा करना पड़ेगा। इसी वजह से हमारे पास एक अच्छा पॉइंटर है। चुई कैंडीज को काटें, इन्हें एक लंबी कैंडी बनाने के लिए जोड़ें। इसे एक चॉपस्टिक पर लपेटें, परत को सपाट करें, खाने लायक चमकीली को ऊपर लगाएं। जब मिस स्मिथ गुस्से में हो, उनसे बात करना अच्छा फैसला नहीं। वो सभी चीजें तोड़ देती हैं, जो भी उनके हाथ में आता है। उन्होंने पॉइंटर तक को तोड़ दिया, मगर अब उन्हें समझ आया कि ये कोई आम पॉइंटर नहीं। लड़कियों ने उनके लिए मीठा तोहफा बनाया है। कैंडीज मिस स्मिथ को शांत करती हैं। जैसे जैसे वो पॉइंटर को खा रही हैं, उनका मूड भी अच्छा होता जा रहा है। अब वो एक दयालु टीचर बन गई हैं, और इसका मतलब ये है कि वो अब अनगिनत सेल्फीज ले सकते हैं। डॉली बहुत सारी नॉवेल्स पढ़ चुकी है। क्या वो खुद को वॉल्वरीन समझ रही है? ना ना, उसके पास तो बस नए मार्कर्स हैं, और वो साधारण नहीं है। वो एक सरप्राइज के साथ आते हैं। कैंडीज को ट्यूब से निकाले, ट्यूब को मार्कर के आकार का काटें, च्यूई कैंडीज से प्लग बनाए, ट्यूब को एक्रेलिक पेंट से रंगे और कैंडीज को इसके अंदर रखें। ट्यूब के ऊपर मार्कर के ढक्कन को लगाए, अलग अलग रंग के कुछ मार्कर्स को बनाए। इस मार्कर में खुफिया शक्तियाँ हैं, वो मीठे में बदल जाते हैं। डॉली के पास पूरी टीम है। हर मार्कर में कैंडीज है। जैसिका भी कुछ कम नहीं। उसका अनोखा स्कूल के सामान वाला कप किसी मीठे के शौकीन के लिए सपने जैसा है। डार्क चॉकलेट को डबल बॉयलर में पिघला ले। पेपर कप के अंदर चॉकलेट को फैलाएं। इसे फ्रीजर में रख दे। चॉकलेट के सख्त होने पर पेपर कप को हटा ले। चॉकलेट कप पर शहद लगाएं और आइसिंग लेस को भी इस पर लगा दें। ये कप इतना चॉकलेटी है कि जैसिका से रुका नहीं जा रहा और क्लास के बीच एक टुकड़ा खा लिया। ये कप मीठे मार्कर्स रखने के लिए बिल्कुल सही है। ये तो जन्नत में बनी जोड़ी की तरह है। डॉली ने भी एक बाइट ली। ये दुख की बात है कि कप स्कूल की छुट्टी होने तक नहीं बचेगा। हमारी क्ले स्कल्पचर की क्लास चल रही है। हम क्ले से कुछ भी खाने की चीज बना सकते हैं। डॉली ना खुश है, उसे भूख लगी है और वो क्ले वाला खाना नहीं खा सकती। मगर जैसिका अपनी क्ले के साथ मजे कर रही है। उसने लाल मिर्च बनाई और बड़ी बहादुरी से उसे खा लिया। इसके पीछे क्या राज है? च्यूई कैंडीज को माइक्रोवेव में पिघलाएं। इन्हें अच्छे से मिला ले ताकि इनका टेक्सचर एक जैसा हो जाए। खाने लायक रंग मिलाएं और इसे जिप लॉक बैग में डालें। अलग अलग कैंडीज के बैग बनाएं। ये आसान है। जैसिका की क्ले तो खाने लायक निकली। ये खिचावटी कैंडीज से जो बनी है। उसने कुछ मीठी क्ले डॉली को दी और स्कल्पचर क्लास तो कुछ ज्यादा ही स्वादिष्ट बन गई है। डॉली ने अपनी नोटबुक चेक करने के लिए दी। सेबास्टियन को हैंडमेड बुकमार्क मिला। ये तो बहुत प्यारा है। उसकी मॉम ने भी उसे कुछ ऐसा ही बना कर दिया और ये खाने लायक है। अरे ये क्या, डॉली का भी बुकमार्क सेम रेसिपी से बना है। वेफर पेपर को पट्टियों में काटें,
इन्हें खाने लायक मार्कर से रंगे या फिर खाने लायक पेंट को छिड़के। सेबास्टियन बुकमार्क चबाते चबाते नोटबुक चेक कर रहा है। चबाने से जरूर उसका दिमाग तेज होता है। लड़कियों ने अपना होमवर्क बिल्कुल सही किया और उन्हें अच्छे ग्रेड्स मिलने चाहिए ताकि उन्हें अपने टीचर से बोनस के तौर पर तोहफा मिले। सेबास्टियन इतना दयालु है कि वो उन्हें कुछ मार्कर्स दे सके। डॉली खुश होकर अपनी सीट पर वापस गई। वो जेसिका का उत्साह बढ़ाना चाहती है। हमें अच्छे ग्रेड्स और मजाकिया मार्कर्स मिले। उनमें से एक मार्कर में एक मीठा सरप्राइज है। इंक को मार्कर के अंदर से निकाल लें और बॉडी को साफ कर लें। इसमें एक फॉइल प्लग को लगाएं और कैंडीज डालें। मीठी कैंडीज मार्कर से बाहर गिर गईं। टीचर अपने स्टूडेंट्स के बारे में अच्छे से जानता है। उसे पता है कैंडीज उनके लिए सबसे अच्छा रिवॉर्ड है। अब लड़कियां और भी मेहनत करेंगी। लड़कियां अलग अलग ट्रिक्स आजमा रही हैं ताकि अपनी क्लास को दिलचस्प बना सके। वो मीठा कैश स्कूल में लेकर आई है। ये एक ज्वेलरी का डिब्बा है मगर इसके अंदर ज्वेलरी के बजाय कुछ मीठी चीज है। नोटबुक के पेजेस को काटे, कट्स को कागज की पट्टियों से ढकें, गत्ते के टुकड़ों को ऊपर और नीचे चिपकाएं ताकि एक पैकेट बन जाए। गत्ते से एक डिब्बा बनाएं जिसका आकार पॉकेट के आकार का हो। एक रिबन लूप लगाएं, डिब्बे को ज्वेलरी केस में रखें। स्वादिष्ट कैंडीज छुपी है हमारे इस नोटबुक स्टैश में मगर मैं इसमें पहरे के लिए तैयार है। उन्होंने सारी कैंडीज ले ली। तब भी लड़कियां उदास नहीं हुई। अच्छी बात तो ये है कि उनके पास अभी भी ज्वेलरी का डिब्बा है और इसका मतलब ये कि उनकी कैंडीज कभी खत्म नहीं होंगी। जेसिका को एक ट्रायंगुलर स्केल चाहिए। वो उस हर चीज का इस्तेमाल कर रही है जिसमें एंगल्स हों, पर ड्राइंग फिर भी परफेक्ट नहीं। तब तक रेडेड अपना वेफर खा रही है जिसका आकार बिल्कुल सही है। बड़े वेफर की एक परत को हटा ले, इसे फिलिंग से ढके, वेफर पेपर से ट्रायंगल काटे, इसे वेफर पर लगाएं और फालतू हिस्से को काट लें। खाने लायक मार्कर से इसे स्केल जैसा बनाएं। जेसिका को ज्योमेट्री के चबाने की आवाज आ रही है। उसे बिल्कुल यही चाहिए। ये ट्रायंगुलर स्केल वेफर से बना है और ये अभी भी सपाट है। आप इससे बिना किसी गलती के एंगल्स बना सकते हैं। बस अपनी नोटबुक पर चूरा मत गिरा देना। सेबास्टियन को भूख लग गई। उसके डेस्क पर चॉक के अलावा और कुछ नहीं। तुम इस मिनरल से अपना पेट तो नहीं भर सकते। सेबास्टियन को मिस स्मिथ के स्टैश में कैंडीज मिली। क्यों ना हम चॉक और कैंडीज को मिला दे। बहुत बढ़िया आइडिया है। सही आकार की शुगर कैंडीज को जिपलॉक बैग में डालें। इन्हें खाली चॉक के डिब्बे में डालें। अब सेबास्टियन इन्हें आसानी से खा सकता है। सबसे अच्छी बात तो ये किसी को पता भी नहीं लगेगा कि इसके अंदर क्या है और उसके स्टूडेंट्स ये सोचेंगे कि उनका टीचर पागल हो गया है। डॉली के पास स्वादिष्ट टॉब्लरॉन है मगर स्कूल की क्लास में खाना ले आना अलाउड नहीं। तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। हम इसे नोटबुक में छुपाएंगे, नहीं तो ये मार्जिन से बड़ा है। शायद हम इसे कप में रख सकें। अब ये पहाड़ की चोटी की तरह लग रहा है। हमें कुछ और ऑप्शंस ढूंढने होंगे। जेसिका का ज्योमेट्री की तरफ को प्यार मजाक नहीं। उसके पास ट्रायंगुलर सॉल्यूशन है। एक खाली ट्रायंगुलर पेंसिल के डिब्बे को लीजिए। पेंसिल की तस्वीर को प्रिंट कर लें और डिब्बे पर चिपका दें। इसके अंदर टॉब्लरॉन को रखें। एक ट्रायंगुलर डिब्बा चॉकलेट के लिए बिल्कुल सही है। अब हमें टीचर के गुस्से से नहीं डरना चाहिए। टॉब्लरॉन बिल्कुल एक असली स्पाई की तरह काम करता है। टीचर को पेंसिल के डिब्बे के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा। जेसिका का कागज का प्लेन बहुत हल्का है। वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास में वो एक हमले का शिकार हुआ था। हमें इसे अभी के अभी ठीक करना होगा। डॉली ने उसे थोड़ी टेप दी मगर वो सबसे जरूरी चीज तो भूल ही गई कि टेप दरअसल कैंडी केस है। डबल साइडेड टेप के अंदरूनी हिस्से पर साधारण टेप लगाएं। इसे शहद से ढके और जेली कैंडी बेल्ट को इस पर लगाएं। जेसिका को इस टेप का दूसरा फंक्शन समझ आया।
डॉली को समझ आ गया कि उसका कैंडी स्टैश ढका हुआ नहीं था। तभी उसे चबाने की आवाज सुनाई दे रही है। इससे पहले कि जेसिका सब खत्म कर दे, उसे ये वापस लेना होगा। जेसिका ने अपनी दोस्त के लिए सिर्फ एक चिपचिपी टेप को छोड़ा। प्लेन रिपेयर करना तो कामयाब रहा। लड़कियां बहुत रचनात्मक है, वो मॉडर्न आर्ट को पेंट कर रही है और जब ये खत्म हो जाए वो खुद का ख्याल रखती है। चलो कुछ पेंट्स को स्नैक के तौर पर खाया जाए। सुनहरे रंग के चॉकलेट गत्ते से गोलों को काट ले ताकि वो पेंट पैलेट पर फिट आ जाए। गोलों को पैलेट पर रखें, मार्शमेलोस को माइक्रोवेव में पिघलाएं, मक्खन और पिसी हुई चीनी डालें, इस मांस को नन्ही बॉल्स में बदलें, हर बॉल में खाने लायक रंग डालें, पैलेट को भरें, बॉल्स को दबाकर पेंट का आकार दें। आप इस पेंट से लैंडस्केप को ही नहीं बल्कि अपनी जीप को भी रंग सकते हैं। अब इसे कहते हैं असली बॉडी आर्ट। हमारा रंगीन मूड की तो गारंटी है। जेसिका के पास एक खास प्रोडक्ट है फाइनल टच के लिए। ये चॉकलेट शेड वाला कॉन्टोर पेस्ट है। एक आइसिंग ट्यूब को खाली करके साफ कर ले। इसमें न्यूटेला डालें, इसे हॉट ग्लू से जोड़ें, ट्यूब पर एक्रेलिक पेंट लगाएं, कॉन्टोर पेस्ट के लेबल को प्रिंट कर ले जिस पर न्यूटेला लिखा हो और चिपका दें। जेसिका ने अपनी राइटिंग जेल को अपनी दोस्त की पेंटिंग पर लगाया। अब डॉली की पेंटिंग की खुशबू चॉकलेट की तरह है। ये क्लास कितनी बोरिंग है। अगर आपके पास पेंसिल केस है वो भी मीठे रहस्य के साथ, तो शायद आप पढ़ाई में ध्यान लगा सके। कैंडीज और स्कूल के सामान को पेंसिल केस में डालें, लोगो को लगाएं। डॉली ने मीठे स्नैक को खाने का सुझाव दिया। आप अपनी सारी पसंदीदा चॉकलेट्स को इसमें पाएंगे। डॉली बहुत जोर जोर से खा रही है कि टीचर तक आ गई। हमारी एक आखिरी चॉकलेट बची है, आप भी लीजिए। सेबास्टियन ने टीचिंग करियर से एक मीठा ब्रेक लिया। क्या आपको हमारे मीठे आइडियाज पसंद आए? हमें कमेंट्स के जरिए बताएं कि आप अपनी क्लास में कैंडीज को कैसे लेकर जाएंगे। और हमारी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं ताकि आप ऐसे स्कूल के लाइफ हैक्स रूम टू रूम चैनल से मिस ना कर दें।